सो हाई एवरी वन वेलकम दिस इज़ ओ टू आई एस एकेडमी मेरा नाम है कृतिका और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एच पी जी के का ट्रेंड एनालिसिस यानी कि हिमाचल के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो उसमें पोर्शन एच पी जी के का पूछा जाता है ना उसके उसमें किस तरीके के सवाल आते हैं कितने पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में वही हम लोग बात करेंगे जैसे एच एस है देन वी हैव लाइड एग्जाम एन टी एग्जाम कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं किस तरीके का बाइफर्केशन रहता है कौन सा ऐसा पोर्शन है हिमाचल का जो आप कम समय में भी कवर कर सकते हैं और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं लेकिन कौन से ऐसे पोर्सन है जिस पर आप बहुत वक्त भी लगाएंगे ना तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको गलत कर दें तो ये हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के किस तरीके के क्वेश्चंस हैं ट्रेंड्स के साथ में क्वेश्चंस जो हैं उनको भी एक बार देखेंगे किस तरीके के सवाल जो हैं एच पी यहाँ पर डालता है राइट यह हमारा पहला पार्ट रहेगा सेकेंड पार्ट जो आपका सेकेंड एक वीडियो रहेगा जिसमें मैं बात करने वाली हूँ सोर्सेज के बारे में सोर्सेज एज वेल एज स्ट्रैटेजी कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको आपको कवर करना चाहिए uh, अगर आप लंबे टाइम के लिए तैयारी में हैं तो डिफरेंट रहेंगी अगर आप आने वाले कुछ महीनों में पेपर देने वाले हैं तो इट विल बी डिफरेंट सो स्ट्रैटेजी जो है एज वेल एज सोर्सेज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि मैं एक बैच शुरू कर रही हूँ एच पी का स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ फेबररी तो इस ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव रिकॉर्डेड दोनों में अवेलेबल मिलेगा इसका जो नाम है दैट इज़ होम कमिंग ये नाम जो है ये बहुत स्पेशल है बिकॉज uh, मुझे लगता है कि हिमाचल जी के सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता वो घर है हमारा इट्स अ होम फॉर अस तो उसके बारे में जानना कि वहाँ से जहाँ पे हम बचपन में किसी नदी में खेले हैं वो कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस तो बेसिकली जॉइन मी इन होम कमिंग इसके लिए आप प्री रजिस्टर कर सकते हैं लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है सो प्री रजिस्टर कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर और कोई क्वेरी रहती है तो आप ऊपर दिए गए नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेटेस्ट एग्जाम से 16 अक्टूबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू में एच एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें टोटल बीस सवाल जो हैं वो एच पी जी के में से थे परसेंटेज जो है आप जी एस का भी देख सकते हैं करंट अफेयर्स का एज वेल एज जो है ट्वेंटी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे एच पी जी के से उससे पिछले साल का जो पेपर है उसमें अगर हम देखें तो चौबीस सवाल थे तो एवरेज जो है हमें ट्वेंटी फाइव टू थर्टी क्वेश्चन एच वी जी के देखने को ही मिलते हैं अगेन इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन हैं जो जोग्राफी है सिर्फ प्रिलिम्स की अभी बात कर रहे हैं हम लोग ज्योग्राफी uh, है आर्ट एंड कल्चर देन वी हैव हिस्ट्री एज वेल एज करेंट अफेयर्स सो इस तरीके से इन हर एक पोर्शन में से तीन तीन चार चार सवाल जो हैं यहाँ पर पूछे जाते हैं देख लेते हैं सबसे पहले 21 वन एज वेल एज ट्वेंटी में होने वाले एग्जाम्स में 22 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें हिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले छः जो हैं वो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे पांच जोग्राफी के पांच आर्ट एंड कल्चर के एज वेल एज देन हम बजट और स्कीम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसमें से पाँच क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स में से तीन देन Uh, 2021 में जो एग्जाम हुआ उसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो था वो था आपका बजट सर्वे एंड स्कीम्स का जो आपका बजट है उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है फर्स्ट फर्स्ट पैरा में से उठा के दे दिए गए थे जिससे हमें पता चला कि ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्पेसिफिकली अगर आप एच की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हम पीछे वाले एग्जाम्स का भी एनालिसिस देख सकते हैं 19-20 20-20 क्वेश्चंस जो हैं हमें यूजुअली देखने को मिल रहे हैं अठारह में होने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज थी आर्ट एंड कल्चर की वेयर एज आपका जो नाइनटीन का पेपर था उसमें भी आर्ट एंड कल्चर प्लस हिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर कैरी कर रहा है सो so, इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ किसी एक टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा फोकस तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इसमें से जो है जैसे कुछ चीज़ें जो हमें स्किप नहीं करनी है यानी कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया देन वी हैव हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एलाइड की भी हम साथ में ही बात कर लेते हैं तो एलाइट टू हंड्रेड क्वेश्चन का होता है इसमें से साठ क्वेश्चन जो हैं वो एच पी जी के में से आते हैं तो आप देख सकते हो कि एक मेजर uh, यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर होल्ड कर रहा है एच पी जी के जिसमें से जो लेटेस्ट एग्जाम आपका टू थाउजेंड नाइनटीन में हुआ था उसमें आपका फ्रीडम स्ट्रगल एंड हिस्ट्री में से सिक्सटीन क्वेश्चन थे जोग्राफी में से सिक्सटीन क्वेश्चन थे इंक्लूडिंग द सेंसेज दैट इज ह्यूमन जोग्रफी ओनली फिर आ गया पीपल एंड कल्चर नौ सवाल पूछे गए थे इकोनॉमिक पब्लिक पॉलिसी हो गया ग्यारह सवाल थे मिसलेनियस जो है यहाँ पर छह सवाल थे तो आप देख सकते हो एलाइड एग्जाम के लिए एच के कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर हम लोग देखते हैं नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन इसका कांस्टेंट है इसका है ये 2022 में भी हुआ उससे पहले 2018 में हुआ तो हमने इससे पहले इसमें जो देखा है जो 25 सवाल हैं वो कांस्टेंट एच के में से पूछे ही जाते हैं लेकिन इसको सेट करने वाली जो बॉडी है वो एक ही है दैट इज एच उसमें उनका एक पैटर्न है जिसको वो फॉलो करते हैं जैसे कि हमें हर एक क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स कुछ सालों से देखने को मिल रहे हैं सो so, इस तरीके के कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स है आप देख सकते हो जल जीवन मिशन के बारे में पूछा है एक दो तीन चार इस तरीके से हैं और नीचे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं तो लेंदी स्टेटमेंट्स होते हैं एज वेल एज जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं कि चार स्टेटमेंट हैं दो भी हैं इस तरीके के एन टी में हमने क्वेश्चन देखे जहां पर स्टेटमेंट वन दिया गया और टू दिया गया है देन थे कि दोनों ही करेक्ट हैं एक करेक्ट है एक गलत है या दोनों हैं इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे गए फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें मैचिंग क्वेश्चन जो है उससे भी एचपीपीएससी ऑब्सेस्ड है राइट मैचिंग क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके के ये किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं हिमाचल की हिस्ट्री से इकोनॉमिक सर्वे से कहीं से भी जो है देखें यहाँ पर जा सकते हैं इनफैक्ट टू थाउजेंड जो आपका ट्वेंटी वाला पेपर था उसमें तो कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ लिया गया था तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन हमने देखा कि डेजर्टिफिकेशन के ऊपर पूछा गया था सो यू कैन नॉट बी लाइक प्रिपेयर फॉर वन थिंग ओनली अगर आप मेन्स की साथ साथ में तैयारी करें तो कॉम्प्रिहेंशन से भी आप इजी यहां पर जो है आंसर्स देख सकते हैं एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पर करेक्ट इन करेंट को बहुत ज्यादा लिखा जाता है जैसे अगर आप एक सवाल देखोगे जल जीवन मिशन इज नॉट करेक्ट जोड़ा गया है तो इससे क्या होता है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है जल्दबाजी में अगर आप करेंगे तो देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा राइट right? तो आगे देखते हैं हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री से हिमाचल की हिस्ट्री से अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है एंशियट और मेडिवियल जिसमें प्री हिस्ट्री है प्री हिस्ट्री में आ जाते हैं कि रेजिडेंट्स कौन रहे हैं हिमाचल के कोल कीरत वो सब लोग पढ़ते हैं फिर आगे अर्ली हिस्ट्री जहाँ पर जनपद बने आपके त्रिगर्थ है कुनिंदा कुलथा ओदंबर ये सब देन इज इन्वेजन्स इसमें से अगर हम टोटल देखें तो दो से तीन सवाल जो हैं पूछे जाते हैं लेकिन वो यूजुअली हमें दो ही एरिया से देखने को मिलते हैं अर्ली हिस्ट्री और इनवेजन्स तो uh, महमूद अफगज नबी आया तैमूर आया ये आपके चार जो जनपद हैं यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फिर आ गया मॉडर्न हिस्ट्री इसमें आप डायरेक्टली जो है रिलेशनशिप्स uh, जो है वो पढ़ के जा सकते हैं किस तरीके का आ रहा है गोरखास और हिल्स के बीच में उनकी जो पूरी जर्नी है हिल्स एंड सिक्स फ्रीडम स्ट्रगल दैट इज हिल्स एंड द ब्रिटिशर्स तो ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज वेल एज प्रिलम्स में जो है इसमें से यूजली पाँच चार या पाँच क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं नेक्स्ट आता है, है डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री तो सेंस हम लोग देख रहे हैं हिमाचल में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री के ऊपर डाल दी जाती है तो इसके ऊपर जो है आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है दैट इज द होल पॉइंट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस है ना क्वेश्चन में आपको दिखा देती हूँ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इन्वेजन में से ये है बैटल्स में पहली है बैटल ऑफ नदौन बैटल ऑफ धलोग फिर आ गई आपकी बैटल ऑफ बंगानी एंड द लास्ट वन इज बैटल ऑफ महलमूरिया तो चारों जो हैं बैटल्स के ऊपर दिए गए हैं और नॉट करेक्ट यहां पर पूछा गया है यहां पर जो है सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट थे तो नॉट करेक्ट करना था तो नन ऑफ दी अबव होगा है ना इसमें जो है कन्फ्यूजन नहीं वहाँ पर क्रिएट करना है नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेस्टन uh, एक था जिसमें आपका अगेन अर्ली हिस्ट्री में से आप देख सकते हो ओदम्बर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे जो महाजनपद जो संघ हैं आपके उनके ऊपर सवाल यहाँ पर पूछे गए थे सो so, यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन वह ये लेटेस्ट एग्जाम की बात कर रही हूँ ताकि यू हैव बेटर आइडिया कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इन्वेजेंस के ऊपर है महमूद ऑफ गाजनवी के ऊपर Then, uh, सान, जो ट्रैवलर्स हैं ट्रैवलॉग्स uh, हैं उनके ऊपर सवाल पूछे गए हैं एंड द लास्ट वन वोज तेमूल तो ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ये इकलौता इसमें से इनक्रेक्ट था बाकी के जो थे बहुत सही थे सो so, इस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जी जोग्राफी तो हिमाचल की जोग्राफी में बहुत सारी चीजें आती हैं है ना लेक्स हो गई पीकस पासिस वैलीज बहुत सारी चीजें हैं सिंस हिमालय हैं ड्रेनेज सिस्टम है देन वी हैव डिफरेंट डिफरेंट रेंजेज कमिंग ओवर तो यूजुअली ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक में से क्वेश्चन आ जाएगा कि लेक्स जो है उसमें से सवाल आ जाते हैं ये मिक्स एंड मैच होता है लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ आप देखोगे एक इसमें से पासिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है देन एक रिवर के ऊपर है और दो जो है वो रेंजेस के बारे में है एक धौलाधार रेंज के बारे में है एक जासकर रेंज के बारे में है सो so, जोग्राफी जो है वो मिक्स एंड मैच हमें देखने को मिलती है राइट right? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज अ मैचिंग क्वेश्चन अगेन डिडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन में जैसे कि आप अगर आपको इनमें से एक भी आता है ना फोर्थ देख लेते हैं जैसे कि सोर्स ऑफ uh, पार्वती रिवर क्या है तो वो मानतलाई है बिल्कुल सही है और यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है तो अगर फोर्थ आप इन सब में से काट दोगे ना तो एक ही आपके पास में बचेगा सो so, इस तरीके से भी जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं राइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन वॉज इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्टली तो ये वो नहीं है जो आप लंबे टाइम में तैयारी कर सकते हैं जैसे अभी मार्च में हमारा बजट और इकोनॉमिक uh, सर्वे आने वाला है तो जब आएगा तो एग्जाम से थोड़ा सा पहले जो है आपने उसको पढ़ना शुरू करना है पूरा का पूरा साल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो नहीं पढ़ा जाता इसमें स्टैट्स जो है अगर आपका आपको लगता है कि आपका ब्रेन रिटेन कर सकता है तो आप पढ़ सकते हो अदरवाइज यू कैन स्किप देम एज वेल आप जो है स्कीम्स पे फोकस कर लीजिए सो so, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे फ्रूट ग्रेन uh, का जो प्रोडक्शन है ये आप सिर्फ टेबल्स uh, जो है इनसे डिराइव कर सकते हो वेर एस कुछ ऐसे हैं जैसे टी प्रोडक्शन तो चैप्टर है इसका अलग से बना हुआ उस चैप्टर का अगर आप पहली तीन लाइंस भी आपने पढ़ी हुई तो पहली तीन लाइंस में से ही क्वेश्चन बन गया है सो so, इस तरीके से हर एक चैप्टर का एटलीस्ट बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन था कौन कौन सी ब्रांचेज हैं तो एटलीस्ट दो या तीन जो है आपने लाइन्स अगर हर एक चैप्टर की पढ़ी हुई है तो यू कैन डू देम इजिली राइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ आर्ट एंड कल्चर हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा रचा है और सवाल भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स दैन वी हैव ट्राइब्स फैमिली सिस्टम पेंटिंग्स आर्किटेक्चर फोक डांस सॉन्ग ड्रामा टेम्पल्स मनिस्ट्री गुड थिंग इज एक बार आपने अगर ये अच्छे से पढ़ लिया है तो आप डेफिनेटली वहाँ पर उसको कर सकते हो क्योंकि ये चेंज नहीं होता करंट अफेयर्स नहीं है कि चेंज हो जाएगा है ना सो so, क्वेश्चन देख लेते हैं इस बार पूछा गया खुन जो है वो मार्शल पीपल हैं कांगड़ा के बुरा जो है वो आ, मंडी का एक डांस फॉर्म है बुद्धिस्ट पीपल ऑफ लाहौल इंड स्पी कैन केन नॉट परफॉर्म मास्क डांस सो so, इनमें से आप आराम से जो है, है जर्नलाइज करके भी कर सकते हो कि ये भी सही है ये भी सही है ये गलत है क्योंकि बुरा जो है वो सिरमौर का एक डांस फॉर्म है सो so, इस तरीके से हमें सवाल देखने को मिलते हैं कल्चर में अगेन मिक्स है डांस भी है देन वी हैव पीपल एज वेल तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं नेक्स्ट है अगेन दिस इज अ मिक्स एंड मैच आप देख सकते हो कि इसमें अ बोर्ड ऑफ गॉडेस मट्ठी पूछा है कि वो चितकुल की है कि नहीं फिर uh, ये लाइन जो है बहुत ही खूबसूरत लाइन की लिंकटी uh, वैली जो है जोग्राफिकल जो जो म्यूजियम है कि नहीं है हाईएस्ट विलेज कौन सा है और हाईएस्ट पीक कौन सी है किन्नर कैलाश की सो इट्स अगेन अ वेरी मिक्स एंड मैच क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया हिमाचल के वीकली करंट अफेयर्स अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वेल एंड गुड अदरवाइज सोर्सेज को जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ Uh, अगर इसमें क्वेश्चन देखे जाए तो वही तीन चार चार पाँच क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके के पूछे जाते हैं पिछले साल का ही है अभी जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका एग्जाम हुआ है एच का कोई भी इंडेक्स जो आए हैं उनमें से डायरेक्टली चार जो हैं पूछे गए हैं हिमाचल कहाँ पर है हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें ऊपर नीचे पैरामीटर्स के ऊपर पूछा जाता है स्कीम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डायरेक्टली स्कीम्स के ऊपर पूछ लिया जाता है जैसे ये जो आपकी स्कीम थी ये थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टरेशन बहुत बड़ा नाम लेकिन ये जो है आपके यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस तरीके के सवाल सो so, जो स्कीम्स है वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है करंट अफेयर्स को कवर करके ही जाना है क्योंकि थोड़े होते हैं स्टेट है बहुत सारे नहीं होते थोड़े होते हैं आप इजीली जो है कवर कर सकते हो राइट सो दैट इज इट फॉर टुडे Uh, बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो मैं आई टोल्ड यू सोर्स एंड स्ट्रैटेजी में डिस्कस करने वाली हूँ आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में क्योंकि अभी नहीं होगा थोड़े दिन में हो जाएगा एग्जाम तो आएगा लेकिन आपकी प्रिपरेशन अगर रुक चुकी है अगर आप हॉल्ट पे आ चुके हो तो उसको वापस से री कीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट